ख्वाजा गरीब नवाज के 808वें उर्स मुबारक में पाकिस्तान से भी सैकड़ों जायरीनों का जत्था आकर अपनी अकीदत के फूल पेश कर दुआएं मांगी। पाकिस्तान से गरीब नवाज की चौखट पर माथा टेकने आए सैकड़ों जायरीनों ने आज खास तौर से तैयार करवाई गई मखमली चादर मजार शरीफ पर पेश की और पूरी दुनिया में शांति कायम रखने की दुआ मांगी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। यही कारण है कि हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स मुबारक में पाकिस्तान से भी सैकड़ों जायरीनों का जत्था आकर अपनी अकीदत के फूल कर दुआ मांगते हैं। ख्वाजा साहब के दरबार में आज 9 रजब है। पाकिस्तानी डेलीगेशन 211 लोगों पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ है और जब तक ख्वाजा साहब का हुक्म नहीं होता है कोई नहीं आता है। लिहाजा ये इनकी खुशनसीबी की बात है कि आज इनको इस चौखट पर हाजिरी नसीब हुई और गरीब नवाज के दरबार में आने के बाद में आज हमने अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब सैयद ज़ादगान की जानिब से तमाम डेलीगेशन में जितने भी जायरीन यहाँ पर हाजिर हुए सबका खैर मकदम किया और जमीय खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से तमाम की दस्तारबंदी की गई और तबर्रुकात हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह के उर्स मुबारक के तबर्रुकात जमीय खुद्दाम की जानिब से यहाँ पर तकसीम किए गए और दोनों मुल्कों में मेल जोल आवाम में मेल जोल और भाईचारगी रहे आपस में ताल्लुकात बेहतर हों इसके लिए तमाम के लिए दरबार में यहाँ पर दुआ की गई और सबको आने जाने में आसानियाँ पैदा हों और ये गरीब नवाज का मुल्क है वो भी यहीं का इलाका था एक लकीर खिंची हुई है मगर तमाम लोग आपसी भाईचारगी से रहें ये दरबार में यहाँ पर दुआ की गई और अमन व अमान दोनों मुल्कों में कायम रहे और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं जो जो मुरादें लेकर के आए हैं ख्वाजा साहब के दरबार से वो उनकी झोलियाँ गोहर मुराद से भर करके लेकर के जाएं और इनका ये सफ़र मुबारक हो और आइंदा फिर ख्वाजा साहब अपने दरे दौलत पर सवाल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो नफरत की दीवार है क्या सूफिया और खानकाही लोग उस नफरत की दीवार को मिटाने के लिए कुछ सूफी संतों को जोड़कर आपस में गुरुद्वारों के बड़े गुरुद्वारों को जोड़कर क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दरमियान जो सियासी और जो दूरियां हैं जो नफरत है क्या उसमें सूफिया और खानकाही लोग काम नहीं कर सकते हैं लोग आवाम ये पूछती है दोनों तरफ सूफीज़्म ही एक ऐसा मत है सूफी मत जो तमाम लोगों को एक जगह बिठाने का काम करता है चाहे कितनी भी नफरतें हों आपस में कितने भी इख्तलाफात हों लेकिन सूफियों के दरवाजे पर जाते हैं तो सूफियों का काम ही है इंसानियत और मसावात का पैगाम देना यही पैगाम गरीब नवाज ने यहाँ से दिया था और हम ये दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के आवाम इसी सूफीज़्म का ये दामन पकड़ करके तमाम लोग में मेल जोल कायम रहे और दोनों मुल्कों के भी ताल्लुकात बेहतर हों।